क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन में एक सीक्रेट स्विच होता है जो गलती से दब जाए तो हमारा ब्रेन शटडाउन हो जाता है, यानी के बेहोश। आखिर दिमाग कब और क्यों एक्टिवेट करता है इस शटडाउन मोड को? तो चलिए हम अपने दिमाग के अंदर उस कंट्रोल रूम तक जाते हैं जहां पर शटडाउन इशू होता है और समझते हैं साइंस के जरिए स्टेप बाय स्टेप आखिर इंसान बेहोश कैसे होता है। हमारे ब्रेन से एक लॉन्ग नर्व निकलती है जो कि हार्ट से कनेक्टेड है, लंग से कनेक्टेड है और स्टमक से कनेक्टेड है, जिसको वैगस नर्व बोलते हैं। अब ये वैगस नर्व हार्ट की हार्ट बीट को कंट्रोल करती है और स्टमक के डाइजेशन को कंट्रोल करती है, लंग्स की ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है। ये ठीक उसी तरह काम करती है जैसे हर घर में MCB लगी होती है। हर घर में MCB लगी होने के कारण अब घर में अगर छोटा सा फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो घर की लाइटें जो होती हैं एकदम डिसकनेक्ट हो जाती हैं, यानी कि लाइट जो होती है तुरंत चली जाती है, यानी MCB गिर जाती है। तो ठीक वैसे ही वैगस नर्व हमारी बॉडी में काम करती है। अब हमारी बॉडी में कोई शॉर्ट सर्किट तो होता नहीं है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो कि शॉर्ट सर्किट से कम नहीं होती। अब जैसे कि मान लिया हमने कोई एक्सीडेंट देख लिया और हमें बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, या फिर हमने खून देख लिया, या फिर किसी को निडल से डर लग गया, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन हो जाती है, या फिर कोई ऐसा इमोशनली स्ट्रेस आ गया हम पर कि वैगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। बॉडी में बहुत ज्यादा चोट लग जाए या कहीं पर एक्सट्रीम पेन हो तब वैगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही वैगस नर्व एक्टिवेट होती है वैगस नर्व तुरंत दिल को बोलती है कि भाई हार्ट धीरे से चलो, हमें ब्लड प्रेशर लो करना है। तभी हार्ट एकदम से अपनी हार्ट रेट को कम कर लेगा और ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। BP डाउन होने के तुरंत बाद ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हो जाएगी और ब्लड में ऑक्सीजन और ग्लूकोज होता है, और जब ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलेगा लो ब्लड सप्लाई के कारण, तुरंत हमारे ब्रेन में सीक्रेट स्विच दब जाएगा और सीक्रेट स्विच दबते ही आप हो जाओगे बेहोश, एकदम से धम से बेहोश। और ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई कम होती है। उन सभी कारणों को हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि क्या क्या कारण ऐसे होते हैं जब ब्रेन को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई कम होती है। अभी तो बस आप इतना ही जान लीजिए कि होश में रहने के लिए हमारे दिमाग को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत होती है जो कि ब्लड सप्लाई के थ्रू हमारे दिमाग को मिलता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे फोन को जिंदा रहने के लिए चार्जर और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए किसी कारण से हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई कम हो जाती है, तब हमारे ब्रेन के अंदर की सेल्स जो होती हैं, जिनको न्यूरॉन बोलते हैं, जो कि सिग्नल का काम करती हैं, वे बहुत ज्यादा थक जाती हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज के अभाव में। तब ब्रेन में पैनिक क्रिएट हो जाता है और ब्रेन बहुत ज्यादा थका हुआ फील करता है, और तब ब्रेन ये बोलता है कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे काम नहीं होगा, नहीं अगर ज्यादा काम करूंगा तो मैं डैमेज हो जाऊंगा। तब ब्रेन के कंट्रोल रूम में एक इमरजेंसी स्विच होता है जिसको बोलते हैं RAS, यानी रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम। ये सिस्टम हमें जागृत अवस्था में रखती है। जैसे ही ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई बंद होगी RAS तुरंत बंद हो जाएगा। RAS के बंद होते ही ये कॉर्टेक्स भी सिग्नल लेना बंद कर देता है। अभी कॉर्टेक्स क्या होता है? देखिए कॉर्टेक्स ब्रेन के सबसे ऊपर का पार्ट होता है, इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है थॉट्स, मेमोरी और सेंसेस और हमें जागृत सेंसेस, इन सबको कंट्रोल करता है।
अब जैसे ही RAS ऑफ होता है, अब कॉर्टेक्स में सिग्नल बंद हो जाएंगे, और सिग्नल बंद हो जाएंगे तो हमारे सोच विचार, हमारी मेमोरी, सब कुछ ऑफ हो जाएगी, यानी के बेहोश हो जाओगे आप ना सुन सकते हो ना समझ सकते हो, टोटली अनकॉन्शियस फील करोगे। ये ब्रेन का RAS सिस्टम सेफ्टी मोड होता है, इसलिए ब्रेन अपने आप को टेम्परेरी शटडाउन कर देता है। जैसे ही ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई धीरे धीरे कंप्लीट होगी ब्रेन में, वैसे ही ब्रेन धीरे धीरे ऑन हो जाएगा, यानी चालू हो जाएगा, यानी आप होश में आना शुरू हो जाओगे। चलिए कुछ रीजंस भी जान लेते हैं बेहोशी का। उनमें से एक है ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कमी होना, जैसे कि ज्यादा देर तक खड़े रहना, ब्लड प्रेशर लो होना, ब्लड शुगर लो होना, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन इंजरी, ब्रेन स्ट्रोक होना, इमोशनली या सडन शॉक, वैगस नर्व के कारण। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।